जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बिट्स लिमिटेड कंपनी को आज एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। मैंने पिछली बार जब इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाया था तो उस समय जो शेयर प्राइस था उससे तकरीबन 4-5 रुपए प्राइस ऊपर और जा चुका है। तो यदि अभी तक आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया और फिर भी अभी आप इसमें जगह खोज रहे हैं कि किस लेवल पर आप इसमें नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो लोग अभी बाई नहीं कर पाए या जिसका पहले से भी इन्वेस्टमेंट है वो यदि और बाई करना चाहता है तो किस लेवल पर बाई कर सकता है और क्या लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स हैं स्टॉक को लेकर, उसको वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बिट्स लिमिटेड में आखिर ये तेजी के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि मैंने पहले भी बनाया था कि सबसे मेन चीज होता है किसी कंपनी में कंपनी क्या काम करती है। यदि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस कंपनी का वर्क इंपॉर्टेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि लोग उसमें फ्यूचर में चूंकि कंपनी अच्छा ग्रो करेगी काम को तो पैसा लगाना चाहेंगे। अब समझिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी का काम, आप ध्यान से समझेंगे तो कंपनी आपको मल्टीपल बिजनेसों में यहाँ पे कामकाज करते हुए नजर आएगी। मल्टीपल बिजनेसों में कौन कौन से काम, जैसे कंपनी कला वाणिज्य और देखेंगे विज्ञान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, व्यवसाय प्रबंधन, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, काफी सारे क्षेत्रों में कंपनी कामकाज करते हुए नजर आ जाएगी। यहाँ पे चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर बनाना हो, सॉफ्टवेयर बनाना हो, पढ़ाई लिखाई की चीजें होगी, मैनेजमेंट कराना होगी, ये सब चूंकि काम है और चूंकि अलग अलग कह सकते हैं कि प्रकार से सेक्टर में भी कंपनी ये काम करती है। तो मान लीजिए किसी एक सेक्टर में यदि गिरावट होती है लेकिन जो दूसरा सेक्टर में कंपनी काम करती है उस सेक्टर में तेजी आने के बदौलत कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाते हुए आपको देखने को मिलता रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया। दूसरी बात, बिट्स लिमिटेड जब आप देखते हैं तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी काफी बढ़िया है। यहाँ पे 208 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन, और हम जब किसी पेनी स्टॉक को डिस्कस करते हैं तो हमारा मोटिव यही होता है कम से कम मार्केट कैप तो 100 करोड़ के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ वाले मार्केट कैप में इजीली स्पेकुलेशन होता नहीं है, इसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं। पी थोड़ा महंगा हो गया क्योंकि जाहिर सी बात है जिस स्टॉक की डिमांड ज्यादा होगी पी महंगा होता ही है। तो हमें तो खैर लेवल देखना है, चार्ट पॉइंट लेवल देखेंगे किस लेवल पर बाई करना है और वहां पे आपको हमें बताऊंगा। अब देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी आरओसी काफी कमाल का है, सामान्यतः पेनी स्टॉक में इतना अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को नहीं मिलता। पेनी स्टॉक में तो ज्यादातर माइनस में ही होता है लेकिन यहाँ पे फिर भी प्लस में और 10% से ज्यादा है, ये मतलब बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले यहाँ पे जब आप चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट पे देखने को मिलेगा कि प्राइस आप स्पष्ट देखिए कि जब से रेंज बाउंड को ब्रेक किया ये एक रेंज था 4 रुपए से लेके 2 रुपए के बीच में स्टॉक ने कुछ दिनों तक समय बिताया था। जो लोग जानते हैं कि जब भी स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है जब बाहर निकलता है तो प्राइस ऊपर जाता है, उन लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया। थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए। तो देखिए हुआ क्या कि रेंज बाउंड से बाहर निकला उसके बाद से प्राइस ऊपर जाने लगा और अभी भी ऊपर जाते ही जा रहा है। अब सवाल यह है कि कितना ऊपर और जाएगा। यदि हम लोग इस कंपनी के मैक्सिमम हाई को देखें तो मैक्सिमम हाई लगभग अभी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे ही है, क्योंकि मैक्सिमम हाई तो यही था कंपनी के 4 रुपए के लेवल जो मैंने यहाँ पे बताया कि जब ये रेंज बाउंड में था यहीं पे रेंज बाउंड में लोगों ने पकड़ा होगा जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। यहाँ पे रेंज बाउंड से जब बाहर निकला प्राइस ऊपर गया और ऊपर गया, ऊपर जाते ही जा रहा है। अब और चूंकि ऑल टाइम हाई पे है तो कितना ऊपर जाएगा ये कहना मुश्किल है, हालांकि भी ऊपर जा रहा है। जो मेन सवाल है वो ये कि अभी हमें बाय किस लेवल पे करना है। देखिए अभी बाई नहीं करना है क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे है और ऑल टाइम जब हाई पे होता है तो चढ़ती हुई रेलगाड़ी में हम चढ़ने की कोशिश नहीं करते, हम वेट करते हैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे आएगा रिट्रेसमेंट करने के लिए, और नीचे आने के बाद जब प्राइस बढ़ना शुरू होगा तब फिर हम उस लेवल पे इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अभी अगर नया व्यक्ति है आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जिसका पहले से भी इसमें पैसा लगा हुआ है और इसमें बाई करना चाहते हैं, चूंकि स्टॉक काफी बढ़िया आप सभी जानते हैं, मल्टीपल बिजनेसों में काम करने से ये फायदा है कि कंपनी का शेयर प्राइस कभी रुकेगा नहीं, लगता है ऊपर जाता ही रहेगा। जाहिर सी बात है कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए, तब आप इसमें वेट कर सकते हैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए, चाहे जिस लेवल पर भी जाकर रिट्रेसमेंट आए रिट्रेसमेंट आने दीजिए और फिर जब प्राइस बढ़ेगा तो हम उस लेवल पे इसमें बाई करेंगे। हालांकि जैसे इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा मैं फिर वीडियो बनाकर अपडेट करूंगा कि कहां पे आपको इसमें बाई करना है, तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरी अपडेट्स की बात करते हैं। देखिए अभी कंपनी के जो Q2 के नंबर आने वाले हैं वो उम्मीद है इसी मंथ में आ जाएंगे, मैं आगे BSE इंडेक्स वेबसाइट पे दिखाऊंगा। तो ये जो आपको नंबर देख रहे हैं इस कंपनी का सेल्स देखिए सिर्फ जून क्वार्टर तक का ही रिजल्ट आया है। जून क्वार्टर तक के रिजल्ट में आप देखेंगे कंपनी का यहाँ पे सेल्स धीरे धीरे आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। सेल्स बढ़ने के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट में देखिए पिछले क्वार्टर में मैंने जून क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए देखा, तब 2-3 क्वार्टर की बात करें तो, लेकिन सेल्स जो है कंपनी का वो अभी भी ओवरऑल आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। और चूंकि Q2 के नंबर आने वाले हैं सितंबर क्वार्टर रिजल्ट, उसमें उम्मीद है कि ये जो नंबर यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए दिखा है वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखेगा Q2 के रिजल्ट में। तो इसलिए ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट, जो Q2 के नंबर आने वाले हैं ये काफी मायने रखते हैं। बैलेंस शीट में भी जब आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर फिलहाल कोई डेप्ट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। तो एक ग्रोइंग कंपनी के ऊपर खासकर जब डेप्ट नहीं है छोटी कंपनी पे ये बहुत
बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे डेप्ट नहीं है तो कंपनी को मान लीजिए यदि प्रॉफिट कम भी होता है किसी क्वार्टर में तो हमें उतनी घबराने वाली बात नहीं होती है। अब हम लोग बीएस इंडेक्स वेबसाइट पे आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए बिट्स लिमिटेड को मैंने ओपन किया हुआ, ये सब स्टेज टू में है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि चूंकि ग्रोइंग स्टॉक है, शेयर प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, तो इसे स्टेज टू में होने से कुछ खास निगेटिविटी मार्केट में नहीं फैलेगी, यानी कि हाल फिलहाल में शेयर के प्राइस को नीचे आने के डाउन आने के कुछ चांसेस नहीं है। और नीचे आइए यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस में आपको देखने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में देखने को मिलेगा कि क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले ही। क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का सीधा सा मतलब होता है कि ट्रेडिंग क्लोज कर दी गई है कंपनी के जो अंदर के लोग होते हैं उनके लिए। मतलब ये हुआ कि जब क्वार्टर्स के नंबर आने वाले होते हैं तभी ये चीज देखने को मिलती है, यानी कि अब कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर आएंगे, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उम्मीद है कि जल्द ही इसी मंथ के लास्ट तक आ सकता है। जैसे आएगा मैं वीडियो बनाकर अपडेट करूंगा, रिजल्ट आने दीजिए, फिर हम लोग नया लेवल निकालेंगे, उस लेवल बाय करने की कोशिश करेंगे। तो जो बिट्स लिमिटेड कंपनी है और इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है, जो भी जानकारी अभी इसके हिसाब से देनी चाहिए थी, मैंने देने की पूरी कोशिश करी इस वीडियो में। आपको समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन में कोई सवाल होगा इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।